हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और हसनैन को छुट्टी थी, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट उठे थे, करीबन 9:15 9:30 के दरमियान। और यहाँ पर देखिए, मौसम तो इतना मतलब अच्छा हुआ है, बट बारिश ऐसी होती है ना, हम पूना में बस झड़ते ही रहती है, फास्ट होती ही नहीं है बारिश। तो खैर, यहाँ पर हम बना रहे हैं चाय, बन गई है मेरी। और यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए उपमा। और ये देखिए, बस जल्दी जल्दी से फटाफट बना लिया मैंने, और अपने लिए पराठा भी बना लिया। चाय, ये देखिए, मैं बहुत दिनों बाद चाय और पराठा खा रही हूँ। यूजुअली मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, थोड़ा वेट मैनेजमेंट के लिए, तो ज़्यादा वेट हो जाता है ऐसे, अगर हम चाय पराठा वगैरह खाते जाएंगे तो वो हेल्दी भी नहीं होता है बॉडी के लिए। तो बस कभी कभार मन होता है तो खा लेती हूँ। और यहाँ पर पास ही में मेरी बेटी बैठी हुई है, उसकी तबीयत ख़राब है, बस उसी को ही बस देखते रह रही हूँ। 2-3 दिन से उसको सर्दी, फीवर और खांसी दोनों भी हो गए, तीनों भी हो गया है, तो बस उसी में ही परेशान है हम लोग दोनों। नाश्ता वगैरह करके उनको मैंने वाफ लगा दिया था, डॉक्टर ने बोला है कि उनको 2 टाइम वाफ देने के लिए। और घर देखिए कितना बिखरा पड़ा हुआ है, तो बस इसको फटाफट से समेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट काम डन हो गया था, मेड भी आकर चली गई थी कपड़े बर्तन करके, और मैं हसनैन को पढ़ा भी रही थी साथ साथ में। और यहाँ पर हो गया ऑलमोस्ट सब काम डन। मेरे बच्चों ने फिर से ख़राब कर दिए मेरा काम। और यहाँ पर हम बनाएंगे अब खाना। हसनैन, क्या खाना है बेटा खाने में? बोलो क्या खाना है? चाय खाने का है क्या खाली तुमको? नहीं, अब मैं बना रही हूँ ब्रेड पुडिंग, रेड पुडिंग, दाल चावल और सब्जी। ठीक है? हाँ, कौन सी सब्जी होती है अम्मी? सब्जी, सेपू की सब्जी। पेकू नहीं, सेपू। सेपू, यस। नहीं, तुम जाओ कार्टून देखो, तुम मेरा काम बढ़ाते, मदद नहीं करते। नहीं मतलब नहीं, चलो चलो चलो। तो सबसे पहले मैं जो रैक में बर्तन पड़े हुए वो लगा दूंगी, और फिर बाहर खाना बनाना स्टार्ट करूंगी। और ये मेरे इधर काम वाले आंटी आते हैं, तो बस वही धोकर जाते हैं कपड़े बर्तन, और बस बाकी का जो काम रहता है मैं ही करती हूँ, झाड़ू पोछा सब, खाना बनाना, क्लीनिंग वगैरह। और यहाँ पर मैं दाल तड़का बना रही हूँ, तो इसके लिए अरहर की दाल और मूंग की दाल डाला है, उसका एक बार अच्छे से वॉश किया है, और नमक और हल्दी डालकर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको रख दूंगी मैं सीटी लेने के लिए। और यहाँ पर एक मज़ेदार सी डिश बना रही हूँ मैं, जिसका नाम है ब्रेड पुडिंग। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए मैंने एक लिया है पैन, और उसको डायरेक्टली मैंने गैस पर रख दिया है, और उसके ऊपर शुगर डाला है। शुगर इतनी डालना है कि वो जो पैन है उसका जो सरफेस है वो पूरा कोट हो जाए शुगर से, शुगर सिरप से, इस तरीके से होना चाहिए पूरा कोट। अब दूध ले लेंगे हम, 1/2 लीटर दूध, ठंडे दूध में मैं मिला रही हूँ 1 1/2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे हम। वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया यहाँ पर, आप कोई भी ले सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर शुगर डालेंगे। और यहाँ पर मैंने फ्रेंड शुगर बहुत ही कम डाला है, क्योंकि हस्बैंड भी खाने वाले थे, और उनके लिए शुगर मुझे कम डालना पड़ता है, वो ज़्यादा शुगर नहीं लेते। और यहाँ पर अगर आप लोगों को ज़्यादा डालना हो तो डाल सकते हो शुगर। और ये 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, मैं उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, पीस लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा कस्टर्ड है वो भी थोड़ा सा थिक हो गया है, इतना थिक होना चाहिए कि हम चम्मच पर लेंगे तो वो एक बार कोट हो जाना चाहिए चम्मच पर। और फिर बाद में जब ये पक जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम बनाए हैं वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो बाकी का है वो भी डालते जाएंगे। स्लो स्लो डालना, वरना एक साथ डालेंगे तो वो गुठलियाँ बनने का डर होता है, तो स्लो स्लो डालना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट बाद हम डालेंगे इसको, जो कैरेमल बनाया है ना हमने पैन में, उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे सारा बैटर। और फिर हमें इसको स्टीम करना है। अब इसके अंदर लास्ट में डालेंगे 3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुडिंग में, तो इसको स्किप मत करना फ्रेंड, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ये देखिए मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ सारा बैटर, और इसको मैं स्टीम कर दूँगी आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया, उसके अंदर पानी डालकर स्टैंड कर रख दिया है, और ढक्कन लगा दिया है मैंने ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए, और साथ साथ में जो सामान फैला हुआ है तो रख दूँगी अपनी अपनी जगह पर। ये वीडियो शूटिंग करने की वजह से ना बहुत मैसी हो जाता है किचन, बहुत, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोग करना चाहते हो तो बहुत ही सोच समझ के करना, बिल्कुल भी इजी नहीं है। और यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो फिर मैंने इसके ऊपर जो मेरा पैन है वो रख दिया और इसको ढक लिया। अगर आपके पास स्टीमर मौजूद है तो फिर आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हो इसको, वो भी बहुत अच्छा है। और ये हो गया है तो मैं इसको निकाल लूँगी और साइड में रख दूँगी पैन को, ताकि थोड़ी देर ठंडा हो जाए। और यहाँ पर मैं साइड बाय साइड यहाँ पर दाल तड़का भी बना रही थी, तड़का दे दिया है मैंने दाल को। अब इसको थोड़ा जोश आने दूंगी, फिर हम खाना खाएंगे। और यहाँ पर साथ में मैंने बनाया है सब्ज़ी, थोड़ा सा हेल्दी भी खाने का मन हो रहा था मुझे, तो मैंने मसूर और जो सेपू होता है ना सेपू, उसकी सब्ज़ी बनाई थी, और रोटी भी बनाया और सैलेड भी ले लिया साथ में। और बस यहाँ पर मैं अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ। दोनों बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, फिर मैं अपना खाना खा रही हूँ अभी। अब चलिए ब्रेड पुडिंग को देखते हैं ये सेट हुआ या नहीं। वैसे तो दिख रहा है सेट हो गया है। इसको है ना कॉर्नर से ना हम एक बार नाइफ से मतलब सेपरेट कर लेंगे, ताकि वो हमारे पैन पर चिपके ना फ्लिप करते टाइम पर। और इसको मैं एक प्लेट पर इस तरीके से फ्लिप कर दूंगी, डर रही थी मैं कहीं गिर ना जाए। और ये देखिए हो गया फ्लिप, अभी ऊपर से थोड़ा सा टैप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निकला मेरा ब्रेड कैरेमल पुडिंग, बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है फ्रेंड्स। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। और ये मैं कट करके दिखा रही हूँ, देखिए इसका फाइनल लुक। आप लोगों को सच में मुँह में पानी आ रहा होगा, मुझे वॉइस ओवर करते हुए तो बहुत मुँह में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं और एक बार इसको बनाऊँ और खाऊँ। और मैंने आप लोगों को बता दूं, मैंने इसका बिल्कुल भी ओवर ईटिंग किया ही नहीं, मैंने बस एक ही स्लाइस जो आप लोगों के सामने है, जितना मैंने एक बाइट खाया है बस मैंने उतने पर ही इनफ कर दिया, मैंने ज़्यादा बिल्कुल मीठा नहीं खाया। और यहाँ पर मेरे बेटे के नखरे देखो, पहले तो वो सोच रहा था कि मम्मी शायद ये अच्छा नहीं होगा, बट जब एक बार उसने बाइट लिया तो उसको बहुत अच्छा लगा, और वो बोल रहा था कि मैं सारा खा लूँगा, प्लेट ही लेकर चला गया। और बेटी भी उठ गई थी, तो ये देखिए माशाल्लाह से उसको भी बहुत पसंद आया, तो बस वो बच्चे खा रहे, बच्चों को अच्छा लगा तो मैं तो बहुत खुश हो गई, और हस्बैंड को भी पसंद आया। तो मैं इसको अब रख दूँगी फ्रिज में, ढक कर रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ ये नहीं है, कंटेनर नहीं है कि इसमें डाल कर रखूँ, तो मैं इस तरीके से ढक कर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे वीडियो को, और बस हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और बस अपना ख्याल रखिए।